वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग आर्यन व्लॉग यूपी। देखिए आज मैं अपने खेतों पर जा रहा हूँ, देवता महाराज पर दूध चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आज दिखाता हूँ मैं अपने आपको अपने व्लॉग पर देवता ही। देखिए आज जरा थोड़ा लेट हूँ इसलिए आज साइकिल देखिए 30-40 की स्पीड से चला रखी है मैंने साइकिल। और देखिए आज मैं खेतों पर आपको दिखाता हूँ। हमारे के खेत पर रास्ता ये पक्का रास्ता है इसलिए इस पर आसानी से साइकिल चल रही है, वरना चक रोड पे तो बहुत तेज़ी। देखिए आपके लिए एक अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करते रहते हैं हम। अगर आपको कोई भी व्लॉग में कोई भी कमी दिखाई दे तो कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने व्लॉग को और सुधार सकूं। व्लॉग को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ मैं। देखिए अब ये चक रोड की तरफ आ गए, इसमें तो देखो बारिश के समय तो साइकिल बिल्कुल भी नहीं चलती, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे रहते हैं। देखिए चक्रोड में तो बहुत साइकिल, आप भी जानते होंगे चक्रोड में साइकिल चलाना तो बहुत, जो किसान लोग हैं वे जानते होंगे कि चक्रोड में साइकिल बड़े ही ध्यान से चलानी पड़ती है। अगर जहाँ भी साइकिल अगर थोड़ी सी भी गड्ढे में गिर गई तो सीधा खेत में। देखिए चक्रोड में मैंने साइकिल आज जरा थोड़ा सा लेट हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी साइकिल चला रखी है मैंने खेत में। देखिए व्लॉग जैसा व्लॉग आपको चाहिए ऐसा ही व्लॉग मुझे कमेंट कर दें कि इस तरह का व्लॉग चाहिए ताकि मैं अपने व्लॉग में सुधार कर सकूँ। एक अच्छे यूट्यूबर बनने के लिए कमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है ताकि कमेंट्स में उसकी कमियों को बता सके। देखिए मैं अभी अपने खेत पर पहुंचने वाला हूं। देखिए ये मेरे खेत आ चुके हैं और बस थोड़ा सा समय रह चुका है। देखिए इस बारिश के टाइम पर इतना घास हो जाता है जो साइकिल चलाने बहुत दिक्कत होती है। इसमें सांप का भी डर रहता है बारिश के समय में, इसलिए थोड़े सावधानी से साइकिल चलानी पड़ती है। तो और ये सुबह का समय हो रहा है, ओस भी बहुत पड़ती है रात के समय, ओस के कारण पैरों में गीलापन हो जाता है जिससे कि पैंडल नहीं लग पाते। और देखिए ये मैं अपने खेतों पर आ चुका हूँ। ये देखिए खेत चक्रोड हमारे खेत पर ही जा रही है। देखिए आपको जैसे जैसे वो लोग चाहिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कोई वीडियो एडिटिंग में कोई गलती हो या कोई किसी चीज़ की भी गलती हो प्लीज़ कमेंट करें। देखिए मैं अपने खेत पर आ चुका हूँ और यहाँ पर ये चक्रोड देवता महाराज जी के पास जा रही है। यहाँ पर इस खेत पर हमारे देवता हैं और ये साइकिल मुझे यहाँ पर खड़ी करनी पड़ेगी ताकि कोई बुग्गी झोटा ना आए। देखिए यहाँ पर साइकिल मैंने खड़ी कर दी है, पर साइकिल का लॉक लगाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि साइकिल की सेफ्टी रहे। आप देखिए साइकिल का मैंने लॉक लगा दिया है यहाँ पर, और अब मैं ताली अपनी जेब में रखकर अब देवता महाराज की तरफ जा रहा हूँ अपना फावला लेकर। फावले को यहाँ ईख में रख देंगे और देवता महाराज की तरफ चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये मेरा नियार था और नियार कट चुका है इसलिए यहाँ पर रास्ता हो चुका है। और ये रास्ता नियार कटा अभी देखिए नाली जा रही है, नाली में होकर देवता महाराज की तरफ जाएंगे। देखिए नाली बिल्कुल सीधी देवता महाराज जी के मंदिर की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पर ईंख है और ये डोल जा रही है सीधा देवता महाराज जी के यहाँ। चारों तरफ ईंख है जिसे शुगर कैन भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये गन्ने हैं जिनसे चीनी बनती है, मिलों में जाती है। अब ये छोटे देखिए हमारे देवता महाराज जी, देखिए देवता महाराज जी हमारे, और हम यहाँ पर पहुँच गए। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और व्लॉग अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए आपके सब व्यूवर्स की बहुत आवश्यकता है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।